गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो कि 11th क्लास के बच्चों के लिए है और साथ साथ प्रैक्टिकली जो लोग जीएसटी में भी वर्क करते हैं उनके लिए भी है। यानी कि आज 11th क्लास में एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो जीएसटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तभी जाके उसके अकाउंटिंग को हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। पीछे जो आपका लेजर नंबर लेजर का जो चैप्टर चल रहा था उसको हमने बीच में होल्ड किया हुआ है और उसको होल्ड करने का पर्पस यही था कि उसमें जो टॉपिक आ रहे थे वो जीएसटी से रिलेशन में आ रहे थे। तो आप अपने बुक में देखेंगे इसके लिए अलग से सेपरेट चैप्टर है और जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो आइए चलते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल सेशन होगा आज आपका और थोड़ा सा लंबा भी होगा बिकॉज छोटी छोटी बातें जो जीएसटी के बारे में आप समझ जाओगे अकाउंटिंग करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको जीएसटी के बारे में, उसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाती है। आइए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। देखिए आज आप लोग का जो चैप्टर में जो डिस्कस करना है आपके बुक में ये अलग से सेपरेट चैप्टर है। अब लेजर का चैप्टर अपना चल रहा था और उस लेजर वाले चैप्टर में बीच में आ गया जीएसटी का कॉन्सेप्ट, राइट। अब ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना बर्निंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोग प्रैक्टिकली भी बहुत सारे कन्फ्यूज हैं। तो आप तो अभी 11th के बच्चे हैं, राइट, लेकिन फिर भी ये बहुत बर्निंग इशू है। आप सब लोगों ने नाम सुना हुआ है आज के जमाने में, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। नाम सुना है? हाँ ना, एक बार बोल दीजिए, कभी नाम सुना है जीएसटी का? यस सर। इसका जीएसटी का हमको करना है अकाउंटिंग। तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बारे में जो बेसिक बातें होती हैं अगर वो नहीं जानोगे तब तक बात आगे बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले किसी भी जानवर को जैसे हम छूते हैं तो हम पहले उसका नेचर के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये बिल्ली है तो नहीं काटेगी, कुत्ता है तो काट लेगा, सांप है तो उसके पास भी नहीं जाएंगे। सेम लाइक दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसको आधे घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर एक बार इसका नेचर आप देख लोगे तो आपको अकाउंटिंग एंट्री करने में और थोड़ी सी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने में बहुत आसानी होगी, राइट। चलिए तो इसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड आपको बताते हैं, ये जीएसटी होता क्या है। देखो जीएसटी कुछ और नहीं है, ये सरकार द्वारा लगाया गया एक टैक्स है। जीएसटी क्या है? टैक्स है। अब जैसा ही वर्ड जी आता है टैक्स, तो टैक्स जो होता है ना कंपल्सरी बर्डन होता है। क्या होता है? कंपल्सरी, मतलब आपकी इच्छा नहीं होती है, कंपल्सरली आपको लेविड किया जाएगा। तो कंपल्सरी का मतलब आपका मन होता है, नहीं होता है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो टैक्स का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने नागरिकों से, अपने पब्लिक से कुछ कलेक्शन करती है, जबरदस्ती भी कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा करता है, मन करेगा तो देंगे, मन करेगा तो नहीं देंगे। ये 11th का क्लास नहीं है कि जैसे जब मन किया जब आ गए, कभी नहीं मन किया तो नहीं आए। नहीं जी, जीएसटी आपको जो है हर हाल में देना ही देना है, आपकी चाहे इच्छा करती हो या नहीं करती हो, चाहे आपको अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो। अब सवाल ये उठता है, जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इंडिया में कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं, राइट। तो इसके लिए हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं, एक फोटो दिखाते हैं आपको। देखिएगा टैक्सेस के लिए बात करें हम तो इंडिया में दो तरीके का टैक्स होता है, राइट। एक टैक्स का नाम है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले जीएसटी को समझने के लिए इन दोनों टैक्स में डिफरेंस समझना पड़ेगा, राइट। क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट। अगर हिंदी देखें हम, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे सीधे देना, इनडायरेक्ट का मतलब है घुमा घुमा के, अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हिंदी देखोगे डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, हिंदी
प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स का हिंदी क्या हुआ, अप्रत्यक्ष कर, बिकॉज ये दोनों टैक्स ही है। तो इंडिया में जो है टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है, राइट। तो टैक्स जो है सरकार जो कलेक्ट करती है वो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स के जैसे मतलब ही समझ रहे हो आप कि डायरेक्ट टैक्स में कुछ और नहीं होता। अगर आप देखोगे यहाँ पे टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पीपल, मतलब अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स कवर होता है। इनकम टैक्स भी नाम सुना होगा आपने, लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, राइट। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में कवर होगा, और आपका जो जीएसटी जो है ना वो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में कवर होता है। अब ये दोनों का फर्क समझना पड़ेगा तभी जाके आपको पता चलेगा। देखो डायरेक्ट का मतलब ही हुआ कि आप पैसा कमाओ, जैसे आपने 10 लाख रुपया कमाया तो आपको ही टैक्स देना है, राइट। आपने 10 लाख रुपया कमाया तो आपको ही टैक्स देना है, राइट। जैसे अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ, सरकार कहती है कि 2.5 लाख रुपया आपका माफ है जी, उसके आगे आपको 5% टैक्स लगेगा, उसके आगे आपको 10% लगेगा, तो आपने कमाया है तो आप ही दोगे, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। अभी हमारा जो चर्चा का विषय है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं, बिकॉज हमको अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग करने के लिए हमको जीएसटी का अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए हमको इनडायरेक्ट टैक्स को समझना पड़ेगा। इसीलिए आपके फोटो भी लगे हुए हैं डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। चलिए थोड़ा सा और इसको समझने का कोशिश करते हैं, क्या सब बातें आएगी यहाँ पे। देखिए इंडिया में जो टैक्सेशन का सिस्टम है, देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टैक्सेशन इन इंडिया। देखिए हम इंडिया में हैं तो इंडिया के बारे में ही बात करेंगे, हम इंडिया के बाहर की बात अभी नहीं कर रहे, इतना ही जानकारी हो जाए यही बहुत है। अगर ध्यान से देखोगे आप तो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आपको जो सिचुएशन दिखाया गया है क्या कह रहा है कि एक तो होता है इनकम टैक्स, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये यूज होने वाला है और साथ साथ एक एग्जाम के लिए तो है ही। ये दो कॉलम बने हुए हैं, दो सिनेरियो, दो झूला झूला, एक तो इनकम टैक्स और दूसरा कह रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, देख रहे हो आप, राइट। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है, जबकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ध्यान से देखिएगा ये है सरकार, है ना, गवर्नमेंट, और देखिएगा यहाँ से ये टैक्स पेयर जो है वो डायरेक्टली जो पैसा दे रहा है, देख रहे हो हाथ से पैसा इसके हाथ में दे रहा है और तीर का निशान कैसे लगा हुआ है इधर को, मतलब आपने कमाया है आप ही दो, आपने कमाया है आप ही दो, राइट। जबकि दूसरा सीन जो बन रहा है ये जो सीन है आपका जीएसटी का, इसमें देखिए यहाँ पे है टैक्स पेयर और यहाँ पे बीच में एक मिडिलमैन आ गया, वो मिडिलमैन कौन है, या तो दुकानदार होगा, रिटेलर होगा, या मैन्युफैक्चरर होगा, मतलब ये जो आदमी है, हम आम आदमी जो है जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहा है, किसके माध्यम से दे रहा है, दुकानदार के माध्यम से। तो दुकानदार को जाके आप टैक्स तो देते नहीं हो, क्या करते हो, वहां से आप खरीदते हो सामान, राइट। तो सामान जब खरीदोगे तो उस सामान पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। जैसे आप देखिएगा कोई भी एक पार्ले जी बिस्किट भी उठा के आप देख लीजिएगा, उस पर लिखा होगा MRP ₹5 और ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब ये है जी कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, उस सब पे आपको सरकार जो है वो टैक्स लगा के रखती है और टैक्स को आपको देना पड़ता है, राइट। उस टैक्स को देना पड़ता है, लेकिन माध्यम कौन सा होता है, बीच में दुकानदार होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, या इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है जीएसटी। और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं लेकिन उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपको जीएसटी के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए, राइट। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ये सब चीजें आपके लायक नहीं है, मैं इसको स्केप कर देता हूं। अब थोड़ा सा आप टॉपिक पे आ जाते हैं कि सिस्टम कैसे है
इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अभी डायरेक्ट टैक्स को हम सेट असाइड कर दिया, हमने अलग हटा दिया। अब जीएसटी कैसे वर्क करता है अगर ये थोड़ा सा आप समझ लोगे आप, तो एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा जीएसटी, राइट। अब देखिए इंडिया में जो है दो तरह की सरकार काम करती है, राइट, सब लोग जानते हैं। एक तो है केंद्र सरकार, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। एक है केंद्र सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, पीएम जो है मोदी जी है, राइट। और हम लोग अपने स्टेट का ही ले लेते हैं, एक तो है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री कौन है, हाँ आयुष बताओ, बिहार के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ मैं यही जानना चाहता था कि सोए हुए हैं या जगे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है यहाँ पे, कौन होता है, सीएम। और सीएम कौन है अभी हमारे, नीतीश कुमार, राइट। अब सरकार है, अब सरकार जो है जीएसटी जो है दोनों जगह लगता है, तो दोनों में आपस में झगड़ा हुआ कि भाई केंद्र मोदी जी कहते हैं हम रोड बनवाएंगे, है ना, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोड बनवाएंगे। तो रोड बनवाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा टैक्स के रूप में आएगा, तो जीएसटी कौन लेगा, मोदी जी लेंगे या नीतीश कुमार लेगा, कौन लेगा? तो इन लोगों ने आपस में तय किया कि एक काम करते हैं कि जिस सामान पे जीएसटी जो लेंगे ना, वो आधा आधा बांट लेंगे। मान लेते हैं कि आपने बिस्किट ही खरीदा या बिस्किट ही बेचा, तो बिस्किट पे इन्होंने बोला कि 5% जीएसटी लेंगे, क्या लेंगे, 5%। तो 5% को दो भाग में बांट दिया, बोला कि 2.5% तुम ले लेना मोदी जी, और 2.5% क्या ले लेना, नीतीश जी, राइट। तो इसको अगर जीएसटी को ही इन लोगों ने नाम दे दिया कि ये जो पूरा जो जीएसटी था 5%, मान लेते हैं बिस्किट का दाम है 100 रुपया, तो 100 रुपया पे 5 रुपया जीएसटी लगेगा, ग्राहक कितना देगा आपको, 105 रुपया, तो उसमें से 2.5 रुपया किसके पास जाएगा, मोदी जी के पास, राइट, और 2.5 रुपया किसके पास जाएगा, नीतीश जी के पास। तो इस 2.5 रुपया का नाम क्या होगा, इस 2.5 रुपया का नाम दे दिया गया सेंट्रल जीएसटी, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं CGST, राइट, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, स्टेट जीएसटी, तो शॉर्ट में SGST। बात खत्म, झगड़ा खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक है जी, यस सर। तो आप ये सिस्टम थोड़ा सा फॉलो करना। अभी इसमें और भी चीजें हैं, अब मान लेते हैं ये है आपका बिहार स्टेट, अभी बिहार से बिहार में ही सामान बेचा गया, बिहार में है, और ये बिहार में ही मिस्टर आयुष है, ये मिस्टर आयुष है बिहार के ही, और बिहार में ही ये इनका किराना शॉप है, मान लेते हैं किसी का शॉप है, और शॉप के ओनर का नाम है अभ्यास, अभ्यास जी का, मान लेते हैं अभ्यास जी का यहाँ पे किराना दुकान है, राइट। अब किराना दुकान है तो ये आयुष जो है अभ्यास के किराना दुकान पे गया, राइट, और किराना दुकान पे जाके बिस्किट खरीदा, तो बिस्किट का दाम है 100 रुपया, तो अभ्यास ने बोला चलो भाई 5 रुपया टैक्स दे दो, 105 रुपया इसने टैक्स दे दिया, राइट, पूरा पैसा पे कर दिया आयुष। अब क्या करेगा अभ्यास, 250 रुपया तो अपने पास रख लेगा, ये तो इसका पैसा है, और 5 रुपया में से 2.5 रुपया किसको दे देगा, CGST को, और 2.5 रुपया किसको दे देगा, नीतीश जी को, यानी कि SGST को, ठीक है। ये सिचुएशन अभी आपने डिस्कस किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहां बैठे हैं यूपी के मुख्यमंत्री कौन, योगी जी, है ना, और मुंह ताक रहे हैं टुकुर टुकुर, ये देख रहा है कि भाई बिस्किट बिका तो नीतीश जी को 2.5 रुपया मिल गया, और मोदी जी को 2.5 रुपया मिल गया, योगी जी को क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो योगी जी तो बेचारा चिंता में रहेगा, हाँ योगी जी को भी मिल रहा होगा, जो यूपी में दुकान होगा उस पे उनको टैक्स मिल रहा होगा। लेकिन एक सवाल अब आता है कि मान लेते कोई सामान यूपी से बिहार में आया, देख रहे हो, तो बॉर्डर अलग है, यूपी अलग राज्य है और बिहार अलग राज्य है, राइट। तो इस सिचुएशन में अब झगड़ा हो गया, अब सवाल मेरा समझ रहे हो आप, कि अभी तक बिहार से बिहार में था तो 2.5 रुपया
हमने मोदी जी को दे दिया जिसका नाम सीजीएसटी, और 2.5 रुपया नीतीश जी को दे दिया एसजीएसटी। लेकिन अगर यूपी से बिहार में सामान आएगा उस पर भी जीएसटी लगेगा। अब रहा बात कि अब 2.5 रुपया तो मोदी जी ले जाएंगे और 2.5 रुपया नीतीश जी लेंगे कि मोदी जी लेंगे, कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो बात? प्रॉब्लम को समझो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। यूपी से बिस्किट बिका बिहार में, अब ये 2.5 रुपया कौन देगा? आप लोग गेस करिए किसके पास जाएगा 2.5 रुपया? योगी जी कहेंगे मेरा है, नीतीश जी कहेंगे मेरा है, ये झगड़ा कौन सुलझाएगा? तो इसके लिए इन लोगों ने कुछ, आप लोग का आइडिया लग रहा है? नहीं लग रहा है तो हम बताते हैं, कोई बात नहीं। नीतीश जी ने झगड़ा किया मोदी जी से, भाई देखो ग्राहक मेरे बिहार का था। योगी जी बोलेंगे देखो भाई बिस्किट मेरे यहाँ के दुकान से बिका है, मेरा टैक्स होगा। बात समझ रहे हो? तो इस झगड़े को दूर करने के लिए ये कहा गया कि अगर आपका सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जा रहा है तो इसके लिए ना तो हम ये 2.5 रुपया लेंगे, ना तो ये 2.5 रुपया लेंगे, हम डायरेक्टली 5 रुपया लेंगे। और उस 5 रुपये का नाम क्या रहेगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसका नाम है शॉर्टकट में IGST। मतलब ये कब लगेगा? जब खरीदने वाला और बेचने वाला एक राज्य में नहीं हो। तो हम समरी फॉर्म में लेते हैं कि क्या होगा, अगर आपका सेलर और बायर, सेलर और बायर क्या हो, सेम स्टेट में हो, सेम स्टेट में हो, तो क्या लगेगा? CGST और SGST। समझ में आ गया? अगर सेलर और बायर एक राज्य में हो तो लगेगा आपको CGST SGST, राइट? अगर आपका सेलर और बायर कहां पे हो, डिफरेंट स्टेट में हो, डिफरेंट स्टेट में हो, तो क्या लगेगा? IGST, है ना? ये CGST और SGST इस केस में नहीं लगेंगे, ठीक है? चलिए इतना बात समझाएं। देखो बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा टाइम लगेगा तो, लेकिन टाइम लगेगा तो आप 11th का तो काम पूरा करोगे ही करोगे। साथ साथ जो बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी का वर्क कर रहे हैं, वर्क तो टैली में कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन उनको थ्योरेटिकल नॉलेज की जानकारी होने जरूरी है कि होता क्या है, है ना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तभी तो फोटो बनाओगे ना। अब सवाल, अब थोड़ा सा एक नया चीज हम बता रहे हैं, तभी जाके आपका अकाउंटिंग एंट्री हो पाएगा, राइट? अब थोड़ा सा एक नया काम करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी सामान आपके पास आता है तो क्या डायरेक्टली आ जाता है? यहाँ पे सामान बनाने वाला, सामान बनाने वाला को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर, राइट? मैन्युफैक्चरर। मान लेते हैं आपका ब्रिटानिया का ही बिस्किट आप लेते हो, या पार्ले का ही बिस्किट लेते हो, पार्ले का आप बिस्किट लेते हो, तो आप तो खरीदते हो कहाँ से? यहाँ पे किराना दुकान है, किराना दुकान है, किराना दुकान अभ्यास का है इधर से, तो अभ्यास के दुकान से आप कंज्यूमर की तरह आप जाके बिस्किट खरीदते हो। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर हम दो लोग भी बीच में होंगे तो मैन्युफैक्चरर जो है, अभ्यास का इतना बड़ा दुकान नहीं है, क्या डायरेक्टली पार्ले वाला अभ्यास को सप्लाई करता होगा? नहीं, बीच में कौन है? मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर है, होता होगा कि नहीं होता होगा? डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आपका होलसेलर, है ना, फिर इनके पास आता होगा, आता होगा कि नहीं आता होगा? ऐसे ही आता होगा। अब सरकार कहती है कि भाई जो जीएसटी जो लेना है ना, वो कैसे चलेगा? मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर जो है 100 रुपये का बिस्किट देता है, और एक ही राज्य में है अभी हम मान के चलते हैं, 100 रुपये का बिस्किट दिया तो बिल बनाया होगा 100 रुपये बिस्किट का दाम, और 2.5 रुपया CGST और 2.5 रुपया SGST, 105 रुपया, और ये बिल किसको पकड़ा दिया? डिस्ट्रीब्यूटर को। ये फिर बेचेगा किसको? रिटेलर को, राइट? रिटेलर को बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तो अब इसके पास 100 रुपये का सामान आया, तो 100 रुपये में आया तो 100 रुपये में बेच देगा कि कुछ दाम बढ़ाएगा, प्रॉफिट लेगा ना? मान लेते हैं 100 रुपया प्रॉफिट इसके पास आएगा और 10 रुपया इसने प्रॉफिट लिया, राइट? 10 रुपया क्या लिया? इसने प्रॉफिट लिया, तो कितना हो गया?
110 रुपया। अब 110 रुपया का 2.5% कितना होगा, निकाल के देखिए, 110 का 2.5% 5.5 110 रुपया का 110 × 2.5 डिवाइडेड बाय 2.75 राइट, 25 पैसा बढ़ा राइट। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, 110 और 5 × 15 115 रुपया 50 पैसा, ये आ गया सामान किसके पास, इसके पास। अब सरकार को जो टैक्स जमा करना है ना, ये कितना जमा करेगा, ये करेगा 5 रुपया, ये कितना जमा करेगा, क्या 5.5 रुपया जमा करेगा, नहीं। ये कहती है सरकार कि देखो भाई, आपका बना 5 रुपया 50 पैसा और आपने ऑलरेडी 5 रुपया दे दिया है किसको, मैन्युफैक्चरर को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। इसके लिए हो गया आउटपुट और इसके लिए क्या हो गया, इनपुट राइट। तो ये जो जमा करेगा डिस्ट्रीब्यूटर 5 रुपया 50 पैसा में से 5 रुपया ये मैन्युफैक्चरर को दे चुका है, तो कितना जमा करेगा ये, 50 पैसा। यही सिस्टम जीएसटी में चलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब एंट्री करना होगा ये ऐसे ही करके यहां तक पहुंच जाएगा किराना दुकान तक, मतलब तो सिस्टम आपको बता रहे हैं ताकि जो लेजर आप खोलोगे ना जीएसटी में एंट्री करने के लिए, तो कुछ ऐसा ही होगा राइट। अब ये जो टैक्स है, और ये टैक्स ना तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर को अपने पॉकेट से देना है, ना ही मैन्युफैक्चरर को देना है, ये लास्ट में कौन किस कौन बियर कर रहा है, सबसे लास्ट में ये मिस्टर जो ग्राहक है वही बियर कर रहा है। इसीलिए थोड़ा सा अपना अकाउंटिंग का जो एंट्री है वो थोड़ा सा चेंज होने का कोशिश करेगा। चलो हम आपको बिल भी दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल बिल कैसे दिखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ये थोड़ा सा हम आपको शो करा देते। देखो ये है बिल, देख रहे हो, कुछ ऐसा बिल दिखता है। सपोज दैट ये है MNO एंटरप्राइजेस, देख रहे हो, और इसने ABC ट्रेडर्स को सामान बेचा, तो कुछ ऐसे ही बिल कटता है, बिना बिल के सामान थोड़ी बिकेगा। और सामान है आपका, मान लेते हैं रानी ब्रांड वायल ही, देख रहे हो 110 2 लाख रुपया दाम है, इसमें देख रहे हो CGST और SGST कितना परसेंट हो गया, मान लेते 5% होगा, तो 2 लाख का 5% 2.5% कितना हो गया, 5,000, और 2.5% 5,000, इतना का बिल कट गया, देख रहे हो ना आप, ऐसे ही बिलिंग होता है। अब मान लेते हैं हम MNO को एंटरप्राइजेस के ही बुक्स में एंट्री करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, परचेज का एंट्री कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हो ना, परचेज अकाउंट डेबिट राइट टू क्या नाम है, MNO एंटरप्राइजेस ठीक है जी। अब परचेज तो आपने लिख लिया, आपके सामान का दाम कितना है, 2 लाख, तो यहां पे लिखोगे 2 लाख ठीक है, और जबकि देना इसको कितना है, 2,10,000, तो बाकी 10,000 क्या है, तो ये बाकी जो 10,000 है जीएसटी है, तो इसके लिए हम एक लेजर खोलेंगे जिसका नाम रहेगा इनपुट CGST डेबिट कितना 5,000, इनपुट SGST डेबिट कितना 5,000, हो जाएगा एंट्री, ऐसे ही करना है आपको, समझ में आया। तो अभी जो आपको 20 से 25 मिनट मैंने आपको जो भाषण दिया, लेक्चर दिया जीएसटी के बारे में, हम ये नहीं जानते कि जीएसटी 10 मिनट में समझाया जा सकता है किसी को, 4 साल में पूरा का पूरा हम लोग को नहीं समझ में आया अभी जीएसटी किस बला का नाम है, लेकिन अकाउंटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बातें अगर भी समझते हैं आप, तो आपका काम बन जाएगा। अब सीधे आपके एक सवाल पे लेके आते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो शायद आपको पता चले कि थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है राइट। चलो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, आपको सवाल दिखना शुरू हुआ, यस सर। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखोगे तो समान सॉरी इसका एंट्री जो है आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुखर्जी एंड सन्स के बुक्स में हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राइट, ये
मुखर्जी एंड सन्स कहाँ पे है इसका दुकान? इसका दुकान है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और ये भी कह रहा है कि सारा का सारा सामान इन्होंने कहाँ पे बेचा है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि यूपी से यूपी में, यूपी से यूपी में सामान बिकेगा तो क्या आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और कह भी रहा है कि एज्यूमिंग सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%, यानी कि टैक्स का रेट कितना है, जीएसटी इस पे कितना लग रहा है 18%। तो सरकार तय करती है किस सामान पे कितना टैक्स लगेगा। चलिए ऊपर का लाइन आपने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? अब देखो कहता है बॉट गुड्स फॉर 5,000 फ्रॉम मेहता ब्रदर्स, सॉरी 5 लाख, 5 लाख का सामान आपने खरीदा है, तो सामान का दाम है 5 लाख, उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो ध्यान से देखिए क्या एंट्री कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, देख रहे हो आप, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख। और देखिए एक लेजर बनाया, जब आप खरीदारी करोगे उस टाइम जो जीएसटी होगा ना उसका नाम रहेगा इनपुट, देख रहे हो आप इनपुट, राइट। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये कैसे निकला 45,000? तो उसको निकाल के बता देते हैं, 5 लाख का 9%, 9/100 कितना हो जाएगा 45,000, राइट। तो 5 लाख, 45,000 इनपुट सीजीएसटी और 45,000 इनपुट एसजीएसटी, मेहता एंड ब्रदर्स को 5,90,000 रुपया देने हैं, राइट। अब ये सामान आपने खरीद लिया, जीएसटी का उस पर कैलकुलेशन कर लिया, किया कि नहीं किया? किया ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले एंट्री की तरफ, क्या कहता है वो देखिए थोड़ा सा। दूसरा एंट्री कहता है गुड्स सोल्ड टू 8 लाख टू मनोज लाल एंड कंपनी, मनोज लाल एंड कंपनी को आपने 8 लाख का सामान बेचा। अब देखिए, अब जैसे ही आपने सामान खरीदा तो भी जीएसटी लगा, और ये जीएसटी क्या है, इनपुट है। जब बेचोगे, जब सामान आपने इन किया तो इनपुट जीएसटी, आउट करोगे तो क्या कहलाएगा, आउटपुट जीएसटी। सिंपल सा बात है, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ध्यान से देखिए कितने का सामान है, 8 लाख का, तो सेल्स अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा, 8 लाख से, राइट। अब जबकि आपके जीएसटी का रेट कितना है, 9%, तो 8 लाख का आप 9% निकालिए कितना होगा, 72,000 इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमको अपने ग्राहक से लेना है, तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कितना, 72,000 इसको आपको जोड़ दीजिए 9,44,000। बात खत्म, समझ में आ रहा है इनपुट और आउटपुट कैसे हो रहा है? हाँ जी, यस और नो, यस मान के चले, यस सर, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी और भी बाकी चीजें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। तो वैसे ही मैंने 2 आपको एग्जांपल करके बता दिया, वैसे ही आप सिंपल सा एक थंब रूल ध्यान में रखेंगे, जब भी इन होगा तो जीएसटी आपका इनपुट जीएसटी बोलना, राइट। ध्यान से, जब भी आपका परचेज करोगे तो डेबिट होगा इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। ये कब एसजीएसटी सीजीएसटी होगा, जब आप एक ही राज्य में सामान खरीद बिक्री कर रहे हो। अगर यही सीधे सीधे ये यूपी वाला है, अगर दिल्ली से सामान मंगाता, ये यूपी वाला जो है वो कहाँ से सामान मंगाता, दिल्ली से, तो क्या करते इस केस में, हम क्या करते, आईजीएसटी। दोनों के बदले में इनपुट आईजीएसटी कर देते। बस इतना सा सिंपल काम करना है हमको। आपको 2 चीज ध्यान में रखना है कि हम गुड्स खरीद रहे हैं तो इनपुट होगा, बेच रहे हैं तो आउटपुट होगा, क्लियर। अगर एक ही राज्य में खरीद बिक्री कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा आधा आधा, लेकिन अगर मेरा राज्य चेंज हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य, तो हमको उस दोनों को जोड़ के हम क्या कर देंगे, आईजीएसटी लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट रहता होगा तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा,
उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो फिर हम कल इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। एक बार आप मोटा मोटी, आपको मैंने आइडिया दिया कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट में क्या सारी बातें आपके पास निकल के आ रही है। इसके लिए अलग से चैप्टर है, आप देखिएगा जो 9 नंबर के बाद जो 10 नंबर चैप्टर है आपके बुक में वही है इस पे। आप कंफ्यूज मत होना कि सर बीच में लेजर चल रहा था और बीच में अचानक से ये क्यों आ गया। तो लेजर को मेरा एक बार दिखाना आपको जरूरी था ताकि आपका सीक्वेंस बन जाए, और उसमें जबकि जीएसटी के बारे में क्वेश्चन आना शुरू हो गया इसीलिए हमने आपको सोचा कि पहले जीएसटी के बारे में डिस्कस कर दिया जाए। तो बहुत क्वेश्चन नहीं है इसमें, 5-6 क्वेश्चन होंगे, उसको आप आज जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 को करेंगे। आपके पास होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 बस, और इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई चीजें अगर पेंडिंग रहती है तो फिर हम कल के लेक्चर में इस पे दोबारा से करेंगे। समझना जरूरी है क्योंकि यही एक चैप्टर है जो आगे चल के चाहे आप बिजनेसमैन भी हैं तो भी आप ये चीजों को रोज देखते हैं, जीएसटी जीएसटी, इतना मार्केट में हल्ला रहता है, जीएसटी आ गया जीएसटी आ गया, है ना। तो करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन नाम तो पक्का सुना होगा जीएसटी के बारे में आपने, और जो लोग का बिजनेस है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिनके पास है वो लोग प्रैक्टिकल अपने शॉप में आज जाएंगे और थोड़ा सा दुकान का बिल लेके देख लेंगे कि कैसे टैक्स लगता है। वो देखिएगा आपका अगर दुकान में सामान बिहार से बाहर का आ रहा है तो वहां पे आईजीएसटी ही लगा होगा, अगर आप लोकली परचेज कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एससीएसटी ही लगा होगा, है ना। तो सारा का सारा एनालिसिस आपको मिल जाएगा देखने को, कुछ इस तरह का बिल भी आपको देखने को मिल सकता है जो प्रैक्टिकली टैली सॉफ्टवेयर से निकला हुआ बिल है जो कि मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, राइट। तो सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो, मैनुअल बिलिंग भी हो सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना आपको जरूरी है कि जीएसटी क्या है और ये कब कब लगता है। तो उसके बारे में मेरा कोशिश रहा कि थोड़ा बहुत आपको शेयर किया जाए, बताया जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कल फिर से मिलिएगा इस टाइम पे 7 बजे, फिर से इसके बारे में दोबारा से चर्चा की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, आज काफी हो गया लंबा लेक्चर आपका, तो आज हम लोगों ने कोशिश करने का कोशिश किया कि जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत समझने का। धीरे धीरे जब आइडिया लग जाएगा, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो बहुत सारी इसमें बातें होती है, उन सबको भी देखोगे, ठीक है जी। चलिए तो आज के क्लास को हम एंड करते हैं, आपको जो होमवर्क दिया गया है उसको कोशिश करिए करने का, नहीं बनेगा तो कोई इशू नहीं है, कल हम लोग फिर से उसको देखेंगे, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पे। गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ, खूब पढ़िए, खूब मस्ती करिए।